हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं YouTube शॉर्ट्स वीडियो पर टैग लगाने का सही तरीका बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप पूरी तरह से YouTube शॉर्ट्स वीडियो पर टैग लगाने का तरीका सीख जाएंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, YouTube शॉर्ट्स वीडियो पर सही टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग लगाने के लिए सबसे पहले YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद नीचे की ओर नज़र आ रहे प्लस आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद क्रिएट ए शॉर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने अनुसार वीडियो बना लें या फिर पहले से बनाया हुआ भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं पहले से बनाया हुआ वीडियो ही डाल देता हूँ। तो चलिए किसी एक वीडियो को डाल देते हैं। डालने के बाद ऊपर की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नज़र आ रहे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर टाइटल लिखते हैं। टाइटल में सबसे ज़रूरी बात यह है कि टाइटल लिखते समय हैशटैग शॉर्ट्स पहले ज़रूर लिखें। तो चलिए लिख देते हैं हैशटैग शॉर्ट्स। हैशटैग शॉर्ट्स लिखने के बाद स्पेस दें। स्पेस देने के बाद आप वीडियो का जो टाइटल रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं वीडियो का टाइटल। टाइटल लिखने के बाद यहां से डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन और टैग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के लिए ऊपर की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नज़र आ रहा है अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अपलोडिंग हो रहा है। देख सकते हैं अभी अपलोडिंग स्टार्ट हुआ है। होने दे थोड़ी देर। सो फ्रेंड्स, वीडियो फाइनली अपलोड हो चुका है। अब वापस चलते हैं डिस्क्रिप्शन और टाइटल लगाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन और टैग लगाने के लिए YT स्टूडियो ऐप को ओपन करना होगा। तो चलिए वो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अपलोड वीडियो के ऊपर ही क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर नज़र आ रहे पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने पहले ही टाइटल लिख रखा है। तो एक बात बता दूं दोस्तों, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग एक दूसरे से मैच करना चाहिए। तो चलिए डिस्क्रिप्शन पर भी शॉर्ट्स लिख देते हैं, हैशटैग शॉर्ट्स। हैशटैग शॉर्ट्स लिखने के बाद वीडियो का टाइटल लिख देते हैं। यहाँ पर आप अपने अनुसार अबाउट वीडियो भी लिख सकते हैं, जो वीडियो के बारे में जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। वापस चलो, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब टैग लिखते हैं। तो टैग लिखने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग एक दूसरे से मैच करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट्स लिखते हैं। शॉर्ट्स लिखने के बाद कोमा लगाएं। लगाने के बाद आप वीडियो का टाइटल भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं लिखने के बाद फिर से कोमा लगा दें। कोमा लगाने के बाद YouTube शॉर्ट्स लिखें। YouTube शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स वीडियो आप जितना लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं अपने अनुसार। लगाने के बाद ऊपर की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नज़र आ रहे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी अपनी वीडियो पर टैग लगा सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो पर। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।